Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers, assalamu alaikum. Aur aap tamam logon ko Oxford Group of Colleges ke official YouTube channel Oxfordians par khush aamdeed. Dear viewers, kal ek bahut bada elan wafaqi wazir e taleem janab Shafqat Mahmood sahab ne kiya board imtihanat ke mutalliq aur tamam subon ki tamam subai hukumaton ki mashawrat se ek muttafiqa faisla muttafiqa policy ka elan kiya gaya ke is saal pure mulk mein 9th, 10th, first year और second year के examinations नहीं होंगे। इस ऐलान के बाद university में ज़ेरे तालीम तुलबा जो हैं, उनके ज़हनों में भी ये confusion पैदा हो गई है कि क्या उनके इम्तिहानात भी cancel होने जा रहे हैं और ऐसी बहुत सारी अफवाहें social media पर भी गर्दिश कर रही हैं। लेकिन dear viewers, मैं तमाम students को तंबीह कर रहा हूँ कि HEC की तरफ से बड़ा फर्म डिसीजन आ चुका है कि किसी सूरत भी यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स को बगैर एग्जामिनेशन के अगले सेमेस्टर्स में और नेक्स्ट इयर्स में प्रमोट नहीं किया जाएगा। इम्तिहानात हर सूरत में होंगे और इम्तिहानात का तरीकाकार क्या होगा उस हवाले से तमाम पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स को इन्वॉल्व करते हुए जो पॉलिसी वजह की गई है उसमें ये बात वाजे तौर पे की गई। सिर्फ तीन सिफारिशात या तीन तजावीज जो हैं उन पे बहस हुई और वो तजावीज क्या थी, उसमें पहली सिचुएशन ये थी कि अगर तो 31 मई से पहले ये कोरोना पेंडेमिक हालात काबू में आ जाते हैं, हालात बेहतर हो जाते हैं, तो फिर जून के महीने में इम्तिहान होगा और तमाम तर इम्तिहानात उसी कन्वेंशनल वे पे होंगे। इम्तिहानात के तरीकाकार में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। लेकिन अगर 31 मई तक इस वबा पे काबू ना पाया जा सका और हालात ऐसे ना हुए कि इदारों को खोला जा सके, तो फिर इम्तिहानात जुलाई के महीने में होंगे, लेकिन वो इम्तिहानात भी कन्वेंशनल वे पे होंगे। ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है उसे थर्ड ऑप्शन के तौर पे रखा गया और वो भी इस सूरत में कि अगर जून के आखिर तक हालात काबू में नहीं आते, जुलाई और अगस्त में भी स्कूल कॉलेजेस नहीं खुल पाते, तब ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा, लेकिन एग्जाम की मनसूखी किसी सूरत भी नहीं होगी। तो डियर व्यूवर्स, वो तमाम स्टूडेंट्स जो पंजाब यूनिवर्सिटी में या किसी भी दूसरी यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर सिस्टम में या एनुअल सिस्टम में जेरे तालीम हैं और उनके इम्तिहानात अभी नहीं हुए थे, उन्हें इम्तिहानात के इनेकाद के हवाले से किसी किस्म की कन्फ्यूजन का शिकार नहीं होना चाहिए और अपनी पूरी तवज्जो, अपना पूरा फोकस अपनी स्टडी पे रखना चाहिए। आप अपने घरों में हैं, अपनी किताबों के साथ अपना ताल्लुक बाकी रखिए, अपनी तैयारी को मुसलसल जारी रखिए। आपका इम्तिहान होना है, इम्तिहानात की मनसूखी का अभी तक कोई भी इम्कान नहीं है। तो डियर व्यूअर्स, ऐसी ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन टाइमली हासिल करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पे क्लिक कर लीजिए और अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है, हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुंच सके। आप तमाम लोगों के वक्त का बहुत शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम।